लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। कैप्टन अक्षय कपूर, वक्त बदल गया लेकिन आपकी चॉइस नहीं बदली। काम पे जा रही हूं, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। हेलो अनु बिटिया, मैं चंदन मनाली से बोल रहा हूं। चंदन काका कैसे हैं आप? पापा कैसे हैं? अनु बिटिया, सर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तुम
जल्दी से मनाली आ जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। काका आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रही हूँ, आप बस पापा का ख्याल रखना। अच्छा बेटा। नेहा, I'm sorry, मेरा ध्यान कहीं और था, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल कैसा है? Very good. जो सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मुझसे पूछ रही हो। 20 सालों के अटूट रिश्ते को सिर्फ 20 दिनों में तोड़ दिया, और आज तुम मुझसे पूछ रही हो राहुल कहाँ है? Amazing. जवाब नहीं तुम्हारा। Just shut up. मैं राहुल से प्यार नहीं करती। मैं अक्षय की थी, अक्षय की हूं, और हमेशा अक्षय की ही रहूंगी। पल में यूं ही
हो दिल तू बता दे मुझको भी दिखा दे अपना कोई हम सफर राह में हो यूं इन राहों में मेरी इन बाहों में खुशबू बिखरा कई राह में हो दिल तू बता दे मुझको भी दिखा दे अपना कोई हम सफर राह में ओ यूं इन राहों में मेरी इन बाहों में खुशबू बिखरा गई राह में बेटा पापा आपके लिए एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है अन्नू बेटे पापा अन्नू का भाई तुम्हारे आने की खबर मिलते ही मैंने अन्नू को फोन कर दिया था कोई नहीं जानता ये मंदिर कब बना था यही वो जगह है जहाँ पार्वती ने शिव जी से 7 वचन मांगे थे आज तुम्हें भी मुझे 3 वचन देने होंगे शादी के वक्त 7 वचन देने हैं ये 3 उनसे अलग हैं हाँ यानी टोटल 10 वचन करेक्ट तुम्हें नहीं लगता ये थोड़े ज्यादा हो जाएंगे मुझे नहीं लगता अच्छा चलो दिए ऐसे नहीं मैं बताती हूँ इस मंदिर को साक्षी मानकर पहला वचन तुम मुझसे कभी झगड़ा नहीं करोगे हमारा झगड़ा हमेशा तुमसे शुरू होता है मैं कर सकती हूँ तुम नहीं यानी हमारा झगड़ा हमेशा वन साइडेड रहेगा हाँ चलो दिया बट दिस इज नॉट फेयर वेरी गुड अब दूसरा वचन शिव जी भी कहाँ वचनों के चक्कर में फंस गए चुप रहो तुम क्या जानो पार्वती ने शिव जी के लिए महलों की शान शौकत छोड़ दी थी उनके साथ गुफाओं में रहने लगी थी और फिर दूसरा वचन तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे और तुम छोड़कर जा सकती हो ये वचन तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं है श्योर यस ठीक है फिर मुसीबत में हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे हाउ स्वीट अब तीसरा वचन तुम्हें पता है महादेव जब संकट में थे तो पार्वती जी ने शक्ति बनकर उनकी रक्षा की थी तुम भी तो मेरी शक्ति हो ताकत हो अब तीसरा वचन ये है तीसरा वचन तुम मुझे दोगी और इनकार नहीं करोगी ठीक है अनु हमारे जो प्यार है ना इसे हमेशा अपनी ताकत बनाना कमजोरी नहीं मंजूर है जानता है मेजर मैं शादी की पूरी तैयारी करके बैठा हूँ अच्छा ये बता शादी का मुहूर्त तू निकलवाएगा या फिर पंडित की दक्षिणा के पैसे भी मेरी पॉकेट से दिलवाएगा अपने पैसे तू अपने लिए बचा के रख हम लड़के वाले हैं शादी का मुहूर्त निकलवा के तुझे खबर भिजवा देंगे अच्छा एक बात और सुन ले जब तक शादी नहीं हो जाती मेरी पुत्र तेरे घर में कभी भी आए कभी भी जाए उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए तू उसकी चिंता छोड़ और अपने बुढ़ापे की चिंता कर ओए बुढ़ा होगा तू हाँ रिटायर होने के बाद कर्नल बुढ़े होते हैं मेजर नहीं होते लगी ना गोली निशाने पे शादी के लिए मैंने तेरा और अपना सूट एक जैसा सिलवाया अब आप ये बात मत बताइए कि आपने ग्रे सूट सिलवाया है इडियट ओ इसने नहीं बताना तो ना बताए मैं भी इसे नहीं बताऊंगा कि मैंने अपने लिए और इसके लिए लाइट पिंक कलर की 2 पगड़ियां बनवाई हैं ओए बस यही तो पता करना था लाइट पिंक कलर की पगड़ी और ग्रे सूट उसके साथ ब्लैक बूट और मेरी तरफ से रम की पूरी पूरी छूट
और जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। एक मिनट, ये अक्षय कहाँ है और अन्नू भी दिखाई नहीं दे रही। सर जी, अक्षय अन्नू को अपनी माँ से मिलवाने ले गया है। हाँ इन सारे पेड़ों का ख्याल मम्मा रखती थी। अच्छा, पानी डालना। हाँ, लेकिन इस पेड़ से कुछ खास ही लगाव था मम्मा को। बस क्यों? I don't know। लेकिन जब मम्मा हमें छोड़कर चली गई, उसके एक महीने बाद इस पेड़ पर फूल आए, मुझे लगा जैसे मम्मा का साया हमारे पास वापस आ गया हो। ये फूल मुझे एहसास दिलाते हैं कि मम्मा भी हमारे साथ है। सच है अक्षर, जब तुम नहीं रहते हो तो इस पेड़ पर भी अजीब सी उदासी छाई रहती है। इस पर फूल भी तब भी आते हैं जब तुम आते हो। अच्छा ये बताओ, कल हमने क्या सीखा था? जी मैडम जी, कल हमने सीखा था अ के आगे एक सीधा डंडा हो गया आ, और ज के आगे एक सीधा डंडा हो गया जा। वेरी गुड। तो कल हमने सीखी थी आ की मात्रा, आज हम सीखेंगे ई की मात्रा। जैसे दादाजी की ये छड़ी, अगर हम इसे ऐसे रख लें तो हो गई छोटी ई की मात्रा, अगर ऐसे रख लें तो हो गई बड़ी ई की मात्रा। अब देखो, तो ये क्या है? छोटी। अरे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज दे रहा था। सरप्राइज? सरप्राइज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी यार? We decided to go for a movie। Movie? संभाल के तू गिर जाओगी। क्या बात है पापा? सैनिकों के लिबास में घुसपैठियों ने हमला कर दिया है। रेजिमेंट से तुम्हारा बुलावा आया है। अरे मेजर साहब। ओए चंदू, की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ। अपना जवान कितने है? वो अंदर रहेगा। चल काम कर। अक्षय बेटा, ओए कर्नल, ओ कहाँ भाई? अरे पापा आप। आप उतर, वो पता चला कि अक्षय जंग पर जा रहा है तो। पापा आजा आजा, तो जवान को मुबारकबाद देने का मौका भला मैं कैसे चुक सकता था। बेटा तू जल्दी से वापस आ जा, फिर तेरी शादी और बीटिंग रिट्रीट का जश्न दोनों एक साथ मनाते हैं। श्योर। ओ कर्नल कहाँ है? अपने रूम में है पापा। अच्छा पापा, हाँ पुत्र। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ दिन और यहाँ रह लूँ, बस अक्षय के वापस आ जाने तक कर्नल पापा का ध्यान भी रख लूंगी। पुत्र जी, जब तक आपका दिल करे आप आराम से रहो। थैंक यू पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओए कर्नल। इस तरह विदा करोगी मुझे? तुम चिंता मत करना अक्षय, मैं पापा का ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अगर मैं लौट के नहीं आए तो? रूठो ना, रूठो ना बलमा, रूठो ना, रूठो ना, रूठो ना बलमा, रूठो ना। बैरी अखियां माने ना कहना हो,
राहुल संभाल कर। आजा यार। अरे यार, हर रोज इतने जवान मारे जा रहे हैं और तू एक कीड़े को बचा रहा है। चारों तरफ से गोलियां बरस रही हैं और तू इस माउथ ऑर्गन। तुझे नहीं लगता कि तू गलती से फौज में आ गया? तुझे नहीं लगता राहुल, इस दुनिया को फौज की नहीं प्यार की जरूरत है? ये जंग, ये खून खराबा, हम जीना कब सीखेंगे यार? इस जंग में मरने के बाद जंग और मौत का कोई भरोसा नहीं यार, लेकिन मैं अनु के साथ जिंदगी जीना चाहता हूं। दहशत में डूबी इन पहाड़ियों में तुझे नेहा की मुस्कुराहट नजर नहीं आती? आती है, कभी नेहा नजर आती है तो कभी मौत। जिंदगी में नेहा मिलेगी या मौत, क्या मालूम है? हे नेहा, what's wrong? क्या बात है? Look, इसका चेहरा सामने आता है ना, सारा गुस्सा उतर जाता है। क्यों सता रहे हो मुझे? Come on राहुल, I'm missing you। देख कैसे मुस्कुरा रहा है। Oh my God नेहा, he's very handsome and very cute। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं तो 200 साल जीती। Shut up! How dare you talk like this? दोबारा राहुल के बारे में ऐसी बातें मत करना, समझी? But... ओए चंदन, कारगिल की वार खत्म हो गई, तेरी ये बाजी कब खत्म होगी? आप नहीं चाल चल। अरे सर जी, कितनी बार हरा चुका हूँ मैं आपको, पर आपको भी मुझसे हारने में मजा आता है। ये लो। अक्षय, पापा, अक्षय कहाँ है पापा? मुझे पता था वो आज जरूर आएगा। वो आपका बर्थडे कैसे भूल सकता है, बताइए ना कहाँ है वो? अक्षय नहीं आया बेटी, खबर आई है उसकी। कैसी खबर? वो जल्दी आ जाएगा बेटी।
या अक्षय भी ना। पापा, चंदन काका, कहाँ हैं आप लोग? चंदन काका, पापा क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें याद था? काका, आप जानते हैं, अक्षय पापा का बर्थडे भूल सकता है, पर मैं नहीं। कहाँ है वो? ठीक है, मैं ही उन्हें लेके आती हूँ। वॉकिंग स्टिक? यस। कम ऑन पापा, कम टू मी। थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। पापा, पापा, आप इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ? चलिए अब। हैप्पी बर्थडे टू पापा। अक्षय का कार्ड है, मैंने खुद बनाया है, और देखिए उसकी तरफ से मुझे ही देना पड़ रहा है। और ये मौसम के वही फूल हैं जो अक्षय आपको हमेशा आपके बर्थडे पर देता है। चलिए आप केक काटिए, ये रख दीजिए। ये लीजिए, काटिए ना पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ पापा? अक्षय की याद आ रही है? आप उदास मत होइए पापा, मुझे पूरा यकीन है कल अक्षय जरूर आएगा। ओए कर्नल, कितनी देर लगाता है तू फोन रिसीव करने में? हैं? हैप्पी बर्थडे! आज तू फिर मेरे से एक साल बड़ा हो गया। चल कोई बात नहीं, अगले महीने जब मेरा बर्थडे आएगा हम फिर से मेज के हो जाएंगे। आज मैसेज आया है, अक्षय मिसिंग है। तूने अनु को बताया? क्या बताऊं उस बेचारी को, दिन रात अक्षय का इंतजार करती रहती है। आज बर्थडे मनाया है मेरा और अक्षय के नाम का कार्ड बना कर दिया है मुझे। मैं जानता हूं अपने पुत्र को। ओ तू इतना परेशान क्यों हो रहा है तू? अक्षय मिसिंग ही है ना, और मिसिंग का मतलब वो नहीं होता जो तू समझ रहा है। मिसिंग का क्या मतलब होता है मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। सॉरी, मुझे लगा आपको लगा कि मैं अक्षय हूं। आप अक्षय को जानते हैं? जी, मैं अक्षय का दोस्त हूं, राहुल। मैं अनु, आई मीन अनुराधा, अक्षय की फियांसे। हाँ, आप लोगों से ही मिलने आया हूं मैं। कर्नल साहब का घर इस तरफ है ना? हाँ हाँ, आइए मैं दिखाती हूँ।
अक्षय नहीं आया ना आपके साथ, मुझे पता था, वो हमेशा ऐसे ही करता है, वो हमेशा मुझे सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन कल परसों तो आ ही जाएगा। आइए चंदू काका, ये अक्षय के दोस्त हैं, आप पापा को बता दीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, आप बैठिए। जी सर, मैं कैप्टन राहुल खन्ना, अक्षय का दोस्त, हम दोनों एक ही रेजिमेंट के हैं। अच्छा, बैठो। सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अकेले में। चंदन, आओ मेरे साथ। बोलो, अक्षय के साथ क्या हुआ? उसकी मिसिंग की खबर मुझे मिल चुकी है। अक्षय मिसिंग नहीं है सर, वो एक बहादुर सिपाही की तरह लड़ते हुए शहीद हो गया। कुछ पर्सनल चीजें हैं, वही देने आया हूं। ये सब पापा के लिए। थैंक यू सर। और ये मफलर मेरी ओर से मेरे बेटे के लिए। यस, आई न्यू ये मुझे ही मिलेगा। ये डायरी भी तो अक्षय की है ना? जी, पर ये आपके लिए नहीं है। हाँ। बस और कुछ नहीं। सर, मैं समझ सकता हूं आपके आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझे भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है यहां तक पहुंचने के लिए। पापा जल्दी आइए ना, चाय ठंडी हो जाएगी। अन्नु को खबर देने तक रुक पाओगे? जी। कितनी अजीब बात है ना, हम एक ऐसे आज में जी रहे हैं जिसके कल का कोई भरोसा नहीं। आज एक वादा कर यार,
अगर इस जंग में हम में से किसी एक का बुलावा आ गया तो जो बचेगा अपने दोस्त की मौत की खबर वो उसके घर वालों तक पहुंचाएगा। चल दिए सब छोड़कर खो गए किस मोड़ पर रोशनी नेहा, मैं बस तुम्हें ही फोन करने वाला था। अच्छा ठीक है तो तुम फोन करो। नेहा बीना बोलो कब आ रहे हो? मैं बस एक या दो दिन में। एक दिन में या दो दिन में? दो दिन में। एनीवे 21 को तुम्हें यहाँ होना है, इज दैट ओके? Okay. I love you. इसका फैसला तुम्हारे आने के बाद होगा। कितनी अच्छी जगह है ना ये, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। अक्षय को भी ये जगह बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे अक्षय के बारे में ही कुछ। अक्षय की तो बात ही कुछ और है। पता है पहली बार अक्षय मैंने साथ निभाने का वादा इसी जगह पर किया था। अरे तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना? सर जी चेस खेलेंगे? लगाऊं? तेरे साथ क्या खेलूंगा चंदन? क्योंकि मैं हारना चाहता हूं सर जी, मैं हारना चाहता हूं जिंदगी से। मुझसे अब आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अरे आज तो मैं खुद हारना चाहता हूं। तुझे याद होगा अक्षय जब मुझे हराता था तो हम दोनों बैठकर स्कॉच पीते थे, लेकिन अब तो वो रहा नहीं। शहीद हो गया मेरा बेटा, आज मैं अपने बेटे से हारना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं है, वो तो वहां कहीं बहुत दूर चला गया है, बहुत दूर चला गया। तसल्ली देकर मुझे कमजोर मत करने मेजर, मेरा बेटा शहीद हुआ है, तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो। कोहे कर्नल, मैं यहां अपनी बेटी लेने नहीं आया हूं,
हमारे यहाँ एक बार बेटी दी जाती है फिर वापस नहीं ले जाती है। रिश्ते तो मन से तय होते हैं कर्नल। अरे बेकार की बातें मत कर यार, बेटा खो चुका हूं मैं, अब बेटी नहीं खोनी। मैं अन्नू की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, उसे यहां से ले जाओ। अक्षय की मौत का सच मानना बहुत मुश्किल है उसके लिए। कोई दिल की तरफ आया, मुझको मुझसे ही चुरा गया। धीरे 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 कोई दिल की तरफ Then
से कहो। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम राहुल? आर यू टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड? आज तुम्हारे वापस आने का तीसरा प्रॉमिस फेल्ड। आई मीन व्हाट आर यू डूइंग देयर? कब आ रहे हो तुम? एक दो दिन में आ जाऊंगा। एक या दो? तीन दिन में। पापा, पापा, राहुल को अक्षय के कमरे में सोने की परमिशन किसने दी? मैंने। हॉल के सोफे पर ठीक से नींद नहीं आती है, इसलिए मैंने ही उसे अक्षय के कमरे में सोने को कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? अक्षय के अलावा अक्षय के कमरे पर किसी का हक नहीं। अक्षय अब नहीं है अन्नू। नहीं है? What do you mean नहीं है पापा? अक्षय कभी भी आ सकता है। आप भी पता नहीं क्या क्या बोलने लगे हैं। मैं कह देती हूँ पापा, राहुल अक्षय के रूम में नहीं सोएगा। चंदन काका, वो सर के साथ हेडक्वार्टर्स गए हैं, वहां से फोन आया था। मैं भी जाने वाला था लेकिन सर ने मना कर दिया। ये चंदू काका भी ना कैसा मेस बना के रखा है। पेपर भी यूं ही छोड़ दिया है। आज हो क्या गया उन्हें? ओहो, फाइल भी यहीं रखी है। ओहो, अब ये क्या है? आर्मी हेडक्वार्टर से ये कब आया? अक्षय इससे पुत्र, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है, सब ठीक हो जाता है। सो जा पुत्र, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है, सो जा। हमें अक्षय की मौत की खबर अनु को जल्द से जल्द दे देनी चाहिए, क्योंकि परसों अक्षय की डेड बॉडी आ जाएगी और उसे देखकर अनु को जो सदमा पहुंचेगा शायद वो उसे बर्दाश्त ना कर सके। अनु जागी हुई तो नहीं? नहीं, सो रही है। चारों तरफ दुश्मनों से घेरे रहने के बाद भी मैंने कभी अपने आप को इतना बेबस नहीं पाया। ओए हिम्मत रख कर्नल, हिम्मत रख।
प्रभु की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। क्या बात है? नहीं पुत्र, कुछ नहीं। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं बेटी। आप लोगों ने मुझसे अक्षय के मिसिंग होने की खबर भी छुपाई। मुझे आप सब लोगों ने मिलकर बिल्कुल अलग कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ। इट्स लाइक आई एम एन आउटसाइडर। एंड यू राहुल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सबसे पहले मुझे मिले थे। तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था अक्षय के बारे में। मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन 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 क्या राहुल? तुम्हें ऐसा लगा कि मैं सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अक्षय मिसिंग है? अगर मुझे वो मैसेज नहीं मिला होता गलती से, तो मैं अब भी समझ रही होती अक्षय मिसिंग नहीं है। तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या वो मैसेज झूठा है जो आर्मी हेडक्वार्टर से आया है? नहीं। अच्छा, तो अब तुम ये कहोगे कि अक्षय यहाँ आएगा हमारे बीच और हम सबको? तू नाराज ना हो, देखते रहिए। नहीं पापा, देखो इस झूठे को। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप भी कह रहा है कि अक्षय मिसिंग नहीं है। He's just a liar. That's just what he listen is. To me. अक्षय मिसिंग नहीं है। He's dead. वो मर चुका है। You liar. गया जी, एक कुर्सी पर दो जन बैठ सकते हैं। बताओ कैसे? कैसे? देखिए जी, इस कुर्सी पर पहले एक जना के बैठ जाएगा, फिर वो उठ जाएगा, फिर दूसरा के बैठ जाएगा। खाते खाते तुम ये सोच रहे थे? ओए नहीं जी, खाते खाते मैं ये सोच रहा था कि बिना खाए आप क्या सोच रही हो? आपकी कोई डाइटिंग शाइटिंग चल रही है क्या? नहीं। तो आपका फास्ट होगा? नहीं। आपको किसी ने बाहर का खाना खाने के लिए मना किया है क्या? बिल्कुल नहीं। ओए, तो फिर आप कुछ खाते क्यों नहीं हो? मुझे भूख नहीं लगी। तुम कुछ और लोगे? नहीं आंटी जी, बस मेरा तो हो गया। ओए वेटर अंकल, यहाँ आइए। जी अंकल, मेरा और आंटी जी का कितना हो गया? 64 रुपीस। ये लो। ओए आंटी जी, जब बड़े टेबल पर बैठे हो तो छोटे अपने हाथ पॉकेट में पेमेंट के लिए नहीं डालते। अरे मैं तो बस अपनी पॉकेट में से ये हैंग की निकाल रहा था। अरे टाइम हो गया, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। आंटी जी आप चलिए, मैं अपनी सिटी बजा के आता हूँ। अरे देख लो अगल बगल कोई झूठ तो नहीं गया। ओ आंटी जी, कुछ मीठा हो जाए, पर इस बार कोई पैसे नहीं लेगा। थैंक यू। लेकिन तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं अकेले कहाँ हूँ जी, मेरे साथ ये पूरी बस जो है। लेकिन आप सबके साथ कहाँ जा रहे हो जी? जहाँ बस जा रही है। ओए, ये बस कहाँ जा रही है? जहाँ सब जा रहे हैं। सबका जा रहे हैं? ओए बंटी के पुत्र, बस कर यार। ओ की करो पापा जी, कंट्रोल ही नहीं होना। एक मिनट साइड हटना भाई साहब। सुबेदार जी कोई गल नहीं, छोटा सा खांसी का अटैक है, चिंता मत करो, दुश्मन का अटैक नहीं है ये, तो एक सेकंड में ठीक हो जाएगा। ओ बंटी के पुत्र, किसी की पानी की बोतल ले आ यार। हाँ अभी ले बाबा जी। ओ सुबेदार जी एक सेकंड। एलो जी पानी पियो। शाबाश है, देखा सुबेदार जी, थोड़ी सी हिम्मत रखने की जरूरत होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है अपने आप जी। हेलो जी पानी पियो जी, पानी पियो तो फ्री है जी। इससे चिंता ना करो, मैं अंकल जी का ख्याल रखूंगा।
आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं आपका ख्याल रखूंगी, मैं अक्षय की जगह लूंगी पापा, मैं आपका साथ निभाऊंगी, मैं आपका साथ निभाऊंगी। अरे यार, तो इस डायरी में लिखता क्या है? फीलिंग्स, मोमेंट्स। यार जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो तमाम मोमेंट्स मैं इस डायरी में लिखता हूं। जिंदगी का क्या भरोसा यार, कब साथ छोड़ दे और मौत उंगली पकड़कर साथ ले जाए। ये डायरी अनु के लिए है, मेरी इस पहचान पर सिर्फ उसी का हक है। इस मंदिर को साक्षी मानकर तुम्हें भी मुझे 3 वचन देने होंगे। पहला वचन, तुम मुझसे कभी झगड़ा नहीं करोगी। दूसरा वचन, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। यकीन नहीं आ रहा है कि तुम वही लड़की हो जिसके प्यार में अक्षय ने मौत की भी परवाह नहीं की। कोई भी हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आता। जिंदगी यादों के साथ रोने का नहीं, जीने का नाम है। अकेले तुमने नहीं खोया है, अंकल ने एक बेटा खोया है और मैंने एक दोस्त। शायद यही जिंदगी है। अक्षय की डायरी, इन आंसुओं को पहुंच लो। अंकल को तुम्हारे आंसुओं की नहीं, तुम्हारी मुस्कान की जरूरत है। समझने की कोशिश कर मेजर, अन्नू के साथ अक्षय की शादी नहीं हुई है, सारी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। अपने बेटे के नाम पर मैं अन्नू की खुशियां नहीं छीन सकता, वो इस घर की बहू नहीं है। ओए कर्नल, अगर तू बहू नहीं मानता तो उसे बेटी बना ले। लेकिन अब अन्नू का जो भी फैसला करना है तुझे ही करना है, मुझे नहीं। बाय। ओए कर्नल, अन्नू की मुझसे ज्यादा तुझे ही जरूरत है। तूने तो सब कुछ खो दिया अपना, सब कुछ। पापा, ये सब चंदन, मेजर की बेटी को उसके घर छोड़ाओ। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? ये मेरा ही तो घर है, मैं यहां से कहीं नहीं जा रही हूं। इस घर में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा।
इस घर में अक्षय और मेरी यादें हैं पापा, हम दोनों का बचपन है, और आपके लिए मेरे लिए कुछ नहीं बचा। इस घर पर जितना हक अक्षय का है उतना मेरा भी है। मैं यहां से कहीं नहीं जा रही हूं, ये घर मेरा भी है। सुनो, इस घर में अगर रहना है तो मेरी बेटी बनकर रहना होगा। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी खुशियां वापस चाहिए। आपकी बेटी भी आपको खुश देखना चाहती है पापा। अब मुझसे जीने की कोई शर्त मत लगाना। सर, मैं कल चला जाऊंगा। दही लोगे? जी, अगर थोड़ा गुड़ हो तो उसके साथ। सर, मैंने कुछ गलत? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, अक्षय भी दही गुड़ के साथ खाता था। चलो खाना खाओ। इस खामोश रात में जहां आवाज के नाम पर सिर्फ पत्तों की सरसराहट है। चंदू काका, मोमबत्ती वही टेबल पर रख देना। इस खामोश रात में जहां आवाज के नाम पर सिर्फ पत्तों की सरसराहट है, मुझे मेरा प्यार याद आ रहा है, मुझे मेरी अन्नू याद आ रही है। प्यार की वो रह गुजर, साथ थे हम जिस डगर, कर गई तन्हा
क्यों आए हो तुम हमारी जिंदगी में, किस लिए? हर वक्त अक्षय की याद दिलाते हो तुम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमें अपने हाल पर, छोड़ दो। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। ठीक है राहुल बेटा, अपना ख्याल रखना। चंदन। नहीं, दैट्स ओके अंकल, मैं चला जाऊंगा। हाँ सर जी। अन्नु कहाँ है? बाहर गई है। भाई साहब, ये दिल्ली वाली बस जा चुकी है। अरे तुम आओ, आओ अंदर आओ। क्या हुआ? लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ता बंद है, 2 दिन से पहले खुलने वाला नहीं। ओ राहुल बेटे, बहुत अच्छा किया जो तुम सीधे यहाँ चले आए। चंदन, साहब का सामान अंदर लेके जाओ। राहुल, चेस खेलोगे? हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कौन हो सकता है मामा? बेटे, किसी की मजबूरी का हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। अब हकीकत क्या है हम क्या जाने, कोई बहुत जरूरी काम आ गया होगा उसे। हाँ हाँ, अब उसके सारे काम बहुत जरूरी है, बस एक मैं ही हूँ जो फालतू हूँ, जो रात दिन उसका वेट करती रहती हूँ कि शायद आज आ जाएगा, अभी आ जाएगा, क्योंकि मैं उसे इतना प्यार करती हूँ और वो ये बात जानता है, इसलिए बार बार मुझे हर्ट करता है। गलती तो मेरी है ना कि मैंने एक लावारिस से प्यार किया। नेहा, चुप रहो, बंद करो अपनी ये बकवास। और खबरदार जो तुमने कभी भी राहुल को अनाथ या लावारिस कहा। बेटे, मैं जानती हूँ, आई नो यू लव हिम वेरी मच, लेकिन तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारा ये ईगो, तुम्हारे प्यार पे एक काली परछाई है। खुद पर इतना घमन करना, एहसान करके वो एहसान जताना, बहुत बुरी बात है। इट्स वेरी बैड। व्हाटएवर नेहा डार्लिंग, मैं बस पैकिंग करके निकल रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा। शाम को कितने बजे तक? 5-6 घंटे बस में लग जाएंगे, आधा घंटा और लगा लो। 6-7 बजे तक? राहुल, 6 बजे तक या 7 बजे तक? I'll be there by 8, okay? काका, राहुल। अनु, नेहा, I'll call you back। ये अनु कौन है? राहुल, राहुल, damn! डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं अब? चिंता की कोई बात नहीं, माइनर एंजाइना अटैक था, 2-1 दिन में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, श्योर। थैंक यू। पापा, हाउ यू फीलिंग नाउ? अनु बेटी, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे।
राहुल तुम तो आज जाने वाले थे ना? सर वो बस छूट गई। एक्सक्यूज मी। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा। हेलो हेलो राहुल, राहुल मैं सारा बोल रही हूँ, नेहा की फ्रेंड। राहुल वो नेहा ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। क्या, कब? अभी कुछ देर पहले। अभी उसकी हालत कैसी है? राहुल हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम जितनी जल्दी हो सके राहुल प्लीज यहाँ चले आओ। तुम ऐसा करो, तुम नेहा का ख्याल रखना, मैं कल परसों तक फ्री होकर आता हूँ। राहुल बट कल परसों? हाँ सारा, मैं यहाँ मनाली के। ठीक है, तुम सीधे मेरी चिता जलाने आ जाना। नेहा ये सब क्या पहले हो रहा है? तुम बताओ ये सब क्या है? मैं मर भी जाऊँ तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं? नेहा मैं यहाँ पे काफी टेंशन में हूँ। ये क्या मैं लगाई हुई है? तुम्हें सिर्फ अपनी टेंशन की पड़ी है, दूसरों का कुछ? यहाँ पर किसी की जान खतरे में है। अच्छा, मेरी जान से ज्यादा तुम्हें किसी और की जान की परवाह होने लगी? कौन है वो? जस्ट शट अप ओके। मैं यहाँ, मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी आओ। कल हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था खाना मतलब ईट और पीना मतलब ड्रिंक। हाँ मैडम जी, कल हमने खाना ईट किया था। मैंने पानी ड्रिंक किया। वेरी गुड वेरी गुड। आज हम सीखेंगे एल फॉर लव। अब इसका मतलब क्या होता है? हंसना। वेरी गुड। अब करके बताओ। जोर से करके बताओ। अब हम सीखेंगे एम फॉर मैंगो। प्यार का दूसरा नाम अनु है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। लुक राहुल, ये फिल्मी बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, नॉट इन रियल लाइफ। मेरे लिए प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कमिटमेंट। प्यार के कमिटमेंट से बड़ा कोई कमिटमेंट नहीं। यू नो राहुल, अनु ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया है। खुद पर कब भरोसा करोगे तुम? आगे बढ़ना है तो दूसरों को पीछे छोड़ना सीखो राहुल। प्यार छोड़ने के लिए नहीं होता यार। छोड़ो राहुल, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। राहुल चले, राहुल चले। थैंक यू। Thanks, Rahul. You're welcome. Okay, good night. Good night. Oh, hello. Hello. Maybe you can help me down to the ground, please. Sure, sure. Thank you very much. Right. Thank you very much. Thank you. My name is Isar. I'm a photographer from Israel. Really like your country. India is very beautiful. Can I take your picture, maybe? I think you look good together. You make a fantastic couple. Sure. Beautiful. Thank you. Just can you get a little closer, please? Oh. More. Just a little bit more closer. Oh. 22. Total. 22 बार तुमने मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया। किसका? नेहा का। नो आंसर?
कोई जवाब नहीं। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूं? बोलो कौन है, कौन है वो जिसने तुम्हें नेहा को भुलवा दिया? इसका भी कोई जवाब नहीं? तुम्हारे पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। चलो ड्रिंक में तो साथ दो। कम ऑन राहुल, ग्लास उठाओ। पिक अप द ग्लास। डैमिट, पिक अप द ग्लास।
पापा, आपकी दवाई का वक्त हो गया। बेटी, चंदन ने बताया कि आज राहुल का बर्थडे है। मैं चाहता हूँ उसके जाने से पहले उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके हम उसे सरप्राइज दें। लेकिन पापा, अक्षय का बर्थडे तो तुम बड़ी धूमधाम से मनाती थी। बेटी, राहुल ने बड़े बुरे वक्त में हमारा साथ निभाया है और कल वो जाने वाला है, क्या उसके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? ठीक है पापा, ऐसे से काम का टेंशन ले रही हूं। मुझे पूरा यकीन है राहुल तुम्हें चाहता है। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा दिल दुखे। वो जरूर किसी काम में फंस गया होगा। Enough, Mama. You always favor him. मैं कोई बच्ची नहीं जो बहक जाऊं। आज उसका बर्थडे है, पहला बर्थडे जब वो मेरे साथ नहीं है। I have decided मुझे क्या करना है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ड्राइवर, गाड़ी रोको। नेहा, नेहा सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो? डोंट वरी, घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rahul, happy birthday to you. Thank you sir. आप सब ने इस दिन को बहुत खास बना दिया मेरे लिए। राहुल बेटे, इस खास दिन पर तुमसे कुछ मांगने की ख्वाहिश है दिल में, मांग सकता हूँ? मांगिए ना सर। आप ये समझिए, आपके सामने राहुल नहीं, आपका अक्षय है। अनु बेटी, अनु बेटे, अगर तुम दोनों साथ जीने का फैसला कर लो तो बहुत खुशी होगी मुझे। नेहा, हैप्पी बर्थडे राहुल। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। ये नहीं बताओगी मैं तुम्हारी कौन हूं? मतलब बोलने में शर्मा रहे हो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें राहुल जैसा पति मिल रहा है। राहुल ने हमें जीना सिखाया है। राहुल ने सिर्फ देना सीखा है, लेना नहीं। 20 सालों में मुझे ये नहीं पता चला कि राहुल के अंदर इतनी खासियत है, और तुम्हें सिर्फ चंद दिनों में। वाओ, अगर तुम्हें इन सबसे फुर्सत मिल गई हो तो चले। गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, क्या बात है? You shut up, राहुल। धोखा दिया तुमने मुझे। तुम गलत समझ रही हो। गलत समझा था, लेकिन अब तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। अगर किसी और के साथ फ्लर्ट करना था तो मुझसे शादी का प्रॉमिस क्यों किया? अच्छा सिला दिया है तुमने मम्मा के एहसानों का। मम्मा के एहसानों को मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। और रही तुमसे शादी की बात, तो इसे मैंने डिनाई नहीं किया है। What do you mean, मैंने डिनाई नहीं किया है? मुझसे झूठ बोलकर तुम उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे, और यहाँ मैं? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। और प्लीज अनु को बीच में मत लाओ। तुम उसे हमारे बीच ला चुके हो मिस्टर राहुल खन्ना। उस लड़की के लिए तुम मेरा फोन डिस्कनेक्ट करते रहे, मुझे अवॉइड करते रहे, नेहा ठकराल को। अगर मैं उस वक्त वहाँ नहीं पहुँचती तो अभी तुम उसके साथ सुहाग रात मना रहे होते। नेहा, आप मेरी माँ हैं, चाहकर भी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता।
सच कहूं तो अनु से मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं नेहा से प्यार नहीं करता। मेरे और नेहा के बीच क्या रिश्ता था आई डोंट नो, लेकिन वो प्यार नहीं था। पर इन सब रिश्तों से ऊपर मेरे लिए आप हैं। आप जैसे कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मां कभी अपने प्यार का मुआवजा नहीं मांगती बेटे, तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। नेहा को मैं समझा लूंगी, यू डोंट वरी। मेरी एक बात याद रखना बेटे, मैं तेरी माँ हूं और ये घर ये तेरा घर है। मेरी तरह यहां के दरो दीवार को भी तेरा इंतजार रहेगा। हो सके तो आते रहना बेटे। तक शादी करके घर बसाने की बात है तो शादी ही जिंदगी का मकसद नहीं है। अक्षय से जितना प्यार मिला है मुझे वो बहुत है जीने के लिए। पापा, एक एनजीओ से ऑफर आया है, मैं दिल्ली जा रही हूं। अक्षय बेटा तुम आ गए, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आई नो अनु, अपनों का साथ छूट जाता है पर यादें साथ नहीं छोड़ती। पर यह भी है अनु कि वक्त के साथ नई यादें भी अपनी जगह बना लेती हैं। पापा कहीं अकेले छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम चाहो तो जिंदगी के इस रास्ते पर हम साथ चल सकते हैं। दोस्ती के इस रिश्ते को जिंदगी के रिश्ते में बदल सकते हैं। मुझसे दोस्ती का हक मत छीनना राहुल। अपनी खुशी के लिए अब मुझमें किसी और रिश्ते को खोने की हिम्मत नहीं है।
मैंने अपना मकसद तय कर लिया है। हमारे रास्ते अलग हैं। अपना ख्याल रखना। तुम भी। आओ बहन जी, आओ अंदर बैठ जाओ। घर पहुंचेंगी ना मुझे फोन कर देना, मुझे भूल मत जाना। अच्छा ये लीजिए, ये आम का अचार है, मेरी चाची जी ने बनाया है। अरे आलू के पराठों के साथ खाना, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और ये लीजिए, ये आलू के पराठे। और अगर ये अचार खत्म हो जाए ना, आप मुझे फोन कर देना, मैं और भिजवा दूंगा। ओ पति दे पुत्र फंस गए है। ओ की करे पापा जी, कंट्रोल ही नहीं होता। ओ ड्राइवर गाड़ी चलाओ, इसका कंट्रोल खराब हो रहा है। हेलो मैम, नाइस टू सी यू। आई थिंक यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। व्हाट आर यू डूइंग देयर? प्लीज मैडम, गिव मी योर बैग प्लीज। नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। हरिया तुम जाओ। ओके बाय मैम। पापा, पापा। अरे अनु बेटा, तुम आ गए। काका कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पापा। अनु बेटी। पापा आप तबीयत कैसी है आपकी? तुमको देखा, खुद बखुद ठीक हो गई। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं पापा, पता ही नहीं चला सफर कब खत्म हो गया। लेकिन आपकी तबीयत के बारे में सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। पापा पता है, आज करीब 6 महीनों के बाद सब कुछ कितना बदला बदला सा लग रहा है। आज बस स्टॉप पे स्कूल का हरिया मिला था। सब अंग्रेजी बोलने लगे हैं ना? हाँ आप जानते हैं। मैं जानता हूँ। अच्छा पापा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, जल्दी आना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जी हेलो अंकल, जंग की पूरी तैयारी है ना? ऑफ कोर्स, आर यू रेडी टू लूज? बिल्कुल। पहले आप आंखें बंद कीजिए। व्हाई? अरे आप आंखें तो बंद कीजिए, एक सरप्राइज है। खोलू? यस। शॉल? बाजार से गुजर रहा था, शॉल नजर आई, पसंद आई और खरीद ली। थैंक यू। वेलकम। राहुल? अनु? तुम? अरे राहुल, तुम कब आए? मैं भाई, तुम दोनों यूं ही खड़े खड़े सवाल जवाब करते रहोगे या बैठोगे भी? अंकल मेरा कोई वेट कर रहा है, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। इज इट इम्पोर्टेंट? यस। ओके। अनु बेटे। जी पापा। मैंने चंदन से झूठ बुलवाया था कि मेरी तबीयत खराब है। दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहता था। जब से तुम गई हो, राहुल यही है मेरे पास। उसने तो आर्मी की नौकरी तक छोड़ दी। उसने मेरा पूरा ख्याल रखा, जानती हो क्यों?
सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटी, इसीलिए तो उसने तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। गांव वालों को पढ़ा लिखा कर मेरी देखभाल करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को तुम्हारे बहुत करीब पाता है बेटी। मैं तुमको और राहुल को साथ देखना चाहता हूं जिंदगी भर। पापा, मैं जानती हूं राहुल बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन पापा, मैं अब भी राहुल को अक्षय की जगह नहीं देख पा रही हूं। I'm sorry, Papa. I'm sorry. Uncle the Great, बिसात बिछाए जाए, जंग शुरू हो। आओ राहुल, आओ। चलो चेस खेलते हैं। चंदन। ठीक है, आप लोग खेलिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अंकल, आपने अपने घोड़े से मुझे चेकमेट क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें चेकमेट नहीं करना चाहता। मुझे जानबूझकर बाजी मत जिताइए, मैं हार चुका हूं। ऐसे कैसे हार चुके हो तुम? हाँ हाँ, खेलो ना। मैं हारी हुई बाजी नहीं खेलता। चाय लीजिए। थैंक यू। पापा, मैं सोने जा रही हूं, अगर नींद आ जाए तो खाने के लिए जगाइएगा मत। ओके। राहुल? कुछ नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम बहुत अच्छे हो राहुल, तुम्हें दूसरों के लिए जीना आता है। तुम्हारे यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिला है, रिश्तों का एहसास तुम सबसे मिलने के बाद ही हुआ। अनु, हमारे जो प्यार है ना, इसे हमेशा अपनी ताकत बनाना, कमजोरी नहीं। तुम चाहो तो जिंदगी के इस रास्ते पर हम साथ चल सकते हैं। गुड मॉर्निंग अनु बिटिया, सबके लिए गर्मा गर्म चाय रख दो। चंदन काका, राहुल कहाँ है? अरे राहुल, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी, जहां पर ऐसे भोले भाले इंसान मिल जाए जिन्हें पढ़ाकर मेरी जिंदगी को कुछ मकसद मिल जाए। वैसे भी यहाँ का मिशन तो पूरा हो चुका है। लेकिन आपको मेरी कसम अंकल, मुझे रोकिएगा मत। ओके अनु, बाय। अच्छा चंदन काका, मैं चलता हूँ। अगर वो चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। उसने जरूर कल हमारी बातें सुन ली होंगी, तभी अपनी कसम देकर मुझे बांध गया। उसे सिर्फ तुम रोक सकती हो, बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम्हारे सामने रहकर वो तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए हमसे दूर, हमें छोड़कर वो कहीं जा रहा है। तुम भी तो उससे बहुत प्यार करती हो अनु,
मान क्यों नहीं लेती सच्चाई को? मैंने मैंने एक बेटा खोया है अन्नू, अब दूसरा बेटा नहीं खोना चाहता। उसे रोक लो अन्नू, रोक लो ना। हाँ पापा। यहाँ भी तू वहाँ भी तू, जमीन तेरी फलक तेरा, ओ together. You make a fantastic couple. Thank you. मैं हारी हुई बाजी नहीं खेलता। Ha ha ha!
तरह अनु को अपना प्यार वापस मिला और कर्नल को अपना बेटा। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। राहुल ने फिर से आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया और अनु ने हिमाचल की इन वादियों में रहकर सोशल वर्क करने का। अनु और राहुल द्वारा चलाया गया लिटरेसी मिशन आज भी इन भोले भाले गांव वालों को ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। Thank you.